মোক সহায় কৰক। মই জিয়াই থাকিব বিচাৰো, দেশৰ কাৰণে কাম কৰিব বিচাৰো। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আবেদন এগৰাকী 11 বছৰীয়া কিশোৰীৰ। तो ये आपका जो बीमारी है ये कब से है? जब मैं 3 महीने की थी तब से। तभी क्या दिक्कत होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और सिर चकराता है और सीने में दर्द होता है। अच्छा, तो ये जब मतलब तुम बहुत सारे जगह पे गए हुए हो। हाँ। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं और अभी कौन सा सिचुएशन में है? तुम तो बहुत डॉक्टर दिखाया, भेलूर भी गए हुए हो, गुवाहाटी में भी गया हुआ है हमने सुना, और अपेक्षा में भी गया हुआ है। क्या हुआ है अभी, क्या बोलोगे इसके बारे में? अभी बस डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 बार में ऑपरेशन होगा, जल्द से जल्द करवाइए वरना मेरा मतलब चांसेस नहीं है। राज्य मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मालय यह आवेदन डिब्रुगढ़ सूरजमल जालान बालिका शिक्षा सदन विद्यालय हस्तमान श्रेणी छात्री प्रीति रावतर। तो ये आपका जो बीमारी है ये कब से है? जब मैं 3 महीने की थी तब से। तभी क्या दिक्कत होता है? सांस लेने में प्रॉब्लम होता है और सिर चकराता है और सीने में दर्द होता है। अच्छा, तो ये जब मतलब तुम बहुत सारे जगह पे गए हुए हो। हाँ। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं और अभी कौन सा सिचुएशन में है? तुम तो बहुत डॉक्टर दिखाया, भेलूर भी गए हुए हो, गुवाहाटी में भी गया हुआ है हमने सुना, और अपेक्षा में भी गया हुआ है। क्या हुआ है अभी, क्या बोलोगे इसके बारे में? अभी बस डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 बार में ऑपरेशन होगा, जल्द से जल्द करवाइए वरना मेरा मतलब चांसेस नहीं है बचने का। तो अभी तुम क्या चाहते हो? चाहती हूँ कि मेरी हेल्प हो, मैं मतलब जीना चाहती हूँ, सीएम सर से हेल्प चाहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मुझे सीएम सर से हेल्प चाहिए, जीना चाहती हूँ। मैं बड़ी होकर आईएएस बनना चाहती हूँ देश के लिए, और अपनी मम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিকভাবে অসুস্থ হই সম্প্রতি মানসিকভাবে ভাগি পড়া কন্যা প্রীতিক সুস্থ করে তোলার বাবে মাতৃ রেখা দেবীও অহরহ চেষ্টা চলাই গৈছে, যদিও পোৱা নাই কারোর পৰা বিশেষ সহারি। সেয়ে মাতৃর আহ্বান, মোর কন্যাক জিয়াই রাখিবলৈ মোক অলপ সহায় করক। আবেদন করতে হ্যাঁ, জিতনে ভি স্কুল হ্যাঁ, জিতনে ভি পাবলিক মুঝে দেখ রহে হ্যাঁ, आप लोग दुर्गा पूजा में जिस तरह चंदा उठाते हैं मेरे बेटी के इलाज के लिए, मुझे डोनेशन उठा दीजिए। और जितना भी मीडिया कर्मी है, न्यूज लाइफ है, जो भी है, मेरे बात को सीएम सर तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, और मेरे ससुराल वालों को जल्द से जल्द सजा दिलवाया जाए, क्योंकि फ़ोन कर करके मेरे बच्चे को टॉर्चर करते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ही परेशान हूँ। सीएम सर बोले थे कि ये ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल रहा है मेरा बच्चा को। आपका ससुराल क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? मेरा ससुराल वाला आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। उन लोग को 10 लाख रुपया चाहिए। क्यों? मतलब मेरा बेटी है ना, सुबह शुरू से टॉर्चर करते थे, जिस वजह से हम आसाम में रहते हैं, फिर भी मुझे मतलब उन लोग जीने नहीं देते। मेरे बेटी को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, मम्मी को मार दूंगी, तुम्हारे नाना को मार दूंगी, तो रेप कर दूंगी, ऐसा है वैसा है, सब रिकॉर्डिंग है, लगने से हम दे देंगे। बहुत ज़्यादा ही मेरा देवर मेरा ससुर टॉर्चर करते हैं। आप कोई फ़ोन नंबर है? जी हाँ, बोलिए आपका फ़ोन नंबर बोल दीजिए सबको। 9954557978। मुझसे प्लीज़ संपर्क करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, पब्लिक से आगे बार भी निवेदन किए थे तो हम भेलौर गए थे, अगर किसी को किडनी का भी ज़रूरत है तो हम अपना एक किडनी देना चाहते हैं, ताकि मेरी बच्ची का हम जान बचा लें। इस दुनिया में बहुत आदमी बीमार रहता है, हर किसी को किडनी का ज़रूरत होता है। हम नहीं जानते हैं सीएम सर से हमें मिलवाया जाएगा कि नहीं, लेकिन हम पब्लिक को ही भगवान मानते हैं और पब्लिक से ही निवेदन करते हैं कि मेरी बेटी का इलाज के लिए मेरी मदद करें। भारत में 100 से ज़्यादा करोड़ लोग हैं, अगर एक रुपया करके मदद करें ना, तो मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा और वो बच जाए। এই দুর্ভোগীয় পরিয়ালটির মুখত পুনৰ হাঁহি ঘূৰাই আনিবলৈ এতিয়া আপোনাৰ মোৰ প্ৰয়োজন কিঞ্চিত সহায়ৰ। ঘৰৰ পৰা নাপায় কোনো সহাৰি, কিডনী দিবলৈও সাজু হৈছে মাতৃগৰাকী। দুৰ্ভোগীয়া পৰিয়ালটোৰ বিননি শুনি মনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।